दिल्ली में हुए शराब घोटाले की आज अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की फांस बनती नजर आ रही है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को नोटिस जारी कर आज पेश होने को कहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए दो समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री की लीगल टीम मंथन फिलहाल कर रही है, चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। 3 जनवरी है, ईडी का तीसरा नोटिस है, क्या स्टेटस है आम आदमी पार्टी का और क्या सीएम कल जाएंगे? We will act as per the law. दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को लेकर फिलहाल पेशी नहीं होने तक सस्पेंस बरकरार है।